हीरोइन उर्वशी रौतेला हैं कि मानती ही नहीं, ऋषभ पंत के पीछे यूं हाथ धोकर पड़ गई हैं कि उन्हें जन्मदिन के दिन भी नहीं छोड़ा। पंत को उनके जन्मदिन के दिन पर दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं, फैंस भी उन्हें विश दे रहे हैं। इन्हीं बधाइयों में से एक विश उर्वशी रौतेला ने भी भेजी। फैंस दावा कर रहे हैं ये विश पंत के नाम है। दरअसल उर्वशी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हॉट रेड ड्रेस में एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो फ्लाइंग किस देती हुई नजर आ रही है। रौतेला ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, जन्मदिन मुबारक हो, उर्वशी किसे बधाई दे रही हैं ये उन्होंने नहीं लिखा, ना ही उन्होंने इस वीडियो में ऋषभ पंत को टैग किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहां धुआं उड़ता है आग लगी होती है, इसीलिए सोशल मीडिया के फैंस समझ गए कि ये वीडियो पोस्ट किसी और के लिए नहीं बल्कि ऋषभ पंत के लिए है, क्योंकि 4 अक्टूबर को पंत का ही बर्थडे होता है। वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, फैंस भी सीधे सीधे पंत का नाम लेकर उर्वशी के पोस्ट पर कमेंट करने लगे। प्रीत नाम के यूजर ने लिखा, ऋषभ पंत का बर्थडे। कमल तिवारी ने लिखा, जन्मदिन मुबारक हो मिस्टर RP17, समझ रहे हो ना। आर्या ने लिखा, लाइफ हो तो पंत की जैसी वरना जिंदा तो खैर छोड़ो। सौरभ नाम के यूजर ने लिखा, लौट आओ बाबू। अकी नाम के यूजर ने रौतेला को ट्रोल करने की कोशिश की और लिखा, कितना फेम चाहिए दीदी ऋषभ से। उर्वशी के इस पोस्ट पर अभिषेक ने लिखा, ऋषभ पंत भैया जलवा है आपका, बावली हो गई है छोरी। एक और यूजर ने उर्वशी को ट्रोल करते हुए लिखा, ये तो नहा धोकर पीछे पड़ गई ऋषभ पंत के। दरअसल फैंस कंफर्म है कि ये पोस्ट पंत के नाम ही है, लेकिन फैंस इस बात से हैरान है कि उर्वशी रौतेला जो कर रही है वो खुलकर क्यों नहीं कर रही, बार बार इनडायरेक्टली पंत पर कमेंट क्यों करती है, और ऐसा पहली बार नहीं है। अगस्त महीने में लगातार पंत और उर्वशी के बीच सोशल साइट्स पर अनडिक्लेयर्ड फाइट चल रही थी। उर्वशी ने आरपी नाम को लेकर कई दावे किए। रौतेला ने एक इंटरव्यू में इशारों इशारों में ऋषभ पंत का जिक्र किया और उन्हें छोटू भैया तक बोल दिया। बॉलीवुड हीरोइन ने दावा तक किया कि मिस्टर आरपी ने एक होटल की लॉबी में उनका 10 घंटे तक इंतजार भी किया। इसके बाद ऋषभ पंत ने उर्वशी का नाम लिए बगैर अपनी इंस्टा स्टोरी में उन पर हमला बोला और उन्हें सस्ती पब्लिसिटी पाने का आरोप मढ़ दिया। उर्वशी भी एशिया कप के दौरान दुबई में दिखाई दी। टीम इंडिया के कई मैचों में वो कैमरे में कैप्चर हुई, जिसको लेकर ऋषभ पंत को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया। हालांकि बाद में वीडियो आया जिसमें उर्वशी हाथ जोड़कर माफी मांगती हुई देखी गई। इसके बाद लगा सब ठीक हो गया, लेकिन एक बार फिर उर्वशी सामने आई है और बर्थडे विशेस दे दी है। दरअसल ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला के बीच 2019 में नजदीकियों की खबरें सामने आई थी। फिर 2021 में खबरें उड़ी कि दोनों रिलेशन में नहीं है। ये भी कहा गया कि पंत ने उर्वशी को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर ब्लॉक कर दिया। तब से दोनों के बीच कोई खबर सामने नहीं आई। जाने अब इन दोनों के बीच क्या हुआ जो फिर से ड्रामा लगातार सुर्खियां बटोर रहा है।